खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार के गोपालगंज में 263.47 करोड़ की लागत से बना सतरघाट महासेतु कल पानी के दबाव से धराशायी हो गया। इस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पुल धराशायी होने की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कहलगांव में डैम के उद्घाटन से पहले ही डैम टूट गया था। नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे एक दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। और मयंक सिन्हा महासचिव आरजेडी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि बिहार के गोपालगंज में लगभग 263 करोड़ की लागत से सतरघाट महासेतु जो पुल बना था, कुछ दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ था और अब ये धराशायी हो गया है। तमाम सवाल उठते हैं इस मामले पर प्रशासन पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री 20 जून 2020 को किए थे और ये मात्र 29 दिन ये पुल चला। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना लावालाब भरा हुआ है भ्रष्टाचार से बिहार सरकार। अधिकारी मस्त है और जनता त्रस्त है। इसका आपको उदाहरण जो है सामने दिखाई दे रहा है कि अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है सुशासन बाबू की सरकार का, और अधिकारी पैसे कमाने में और घटिया काम करने के लिए मशहूर है पूरे बिहार में। जी मयंक जी, इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल है सरकार से भी और प्रशासन से भी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बानगी चरम पर है, ये इस पुल के माध्यम से नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं सरकार पर। देखिए, इस सरकार में 55 घोटाले हो चुके हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में बचाव का मुद्रा चल रहा है, लेकिन जनता इनको इस बार पकसने के मूड में नहीं है। और आगामी जो चुनाव होगा, जो नीतीश बाबू कराना चाह रहे हैं चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कोरोना के काल में वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अभी लाश के ऊपर चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए भ्रष्टाचार को अपने छुपाने के लिए तरह तरह का वो षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसका जवाब आगामी जो चुनाव होगा विधानसभा में उसमें जनता अपना मतदान राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के पक्ष में करेगी। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अफजल अब्बास जेडीयू प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अफजल जी, सवाल यही है कि गोपालगंज में ये जो पुल बना था ये धराशायी हो गया, एक महीने भी पूरे नहीं हुए थे इस पुल को और पुल की तस्वीरें तमाम सवाल खड़े कर रही है सरकार पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में ये गोपालगंज का एक पुल नहीं बना, बिहार में ऐसे सैकड़ों पुल बने हैं। अगर ये पुल के ध्वस्त होने से किसी की क्रेडिशियल पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन जहां तक ये घटना का ये पुल ध्वस्त हुआ है तो मैं समझता हूँ ये जांच का विषय है। अगर जो लोग भी इसमें जिनकी लापरवाही है, किस कारणों से हुआ है, पानी के भी इसकी समस्या है, तो मैं समझता हूँ कि इसके जांच के बाद सामने आ जाएगा। अगर कहीं कभी नहीं तो छोड़ा नहीं जाएगा सरकार के समक्ष की नहीं। लेकिन आपको नहीं ये पहला ये पहला ये पहला वाकया है कि नहीं? पहला ये वाकया है जिस तरह कि पुल ध्वस्त हुआ, लेकिन इसके अलावा भी बिहार में बहुत सारे पुल बने हैं। ये अगर 100 पुल बने, एक पुल में अगर कहीं ध्वस्त हुआ है तो कहीं ना कहीं कमी है, मैं मान रहा हूँ। तो किस कारणों से कमी है उसमें जांच का विषय, जांच के बाद उसका एक्शन सरकार लेगी या ठेकेदार होंगे या जो भी हो उसे बचेगा। ठीक है, मयंक सिन्हा हमारे साथ आरजेडी के महासचिव जुड़े हैं। मयंक सिन्हा जी, क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुल बने हैं उनकी गुणवत्ता को पहले चेक कर लिया जाए, सारी गुणवत्ता में वो
नहीं सफल हो पाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, अधिकारी पैसा कमाने के लिए घटिया दर्जे का काम कर रहे हैं, सरकार का कोई उन पर कंट्रोल नहीं है, जनता एकदम त्रस्त है अधिकारियों से। आपको मैं बता देता हूँ कि आप पूरे बिहार में जहाँ भी जितने भी पुल हैं उसकी जांच करा लीजिए, कोई भी पुल गुणवत्ता से नहीं आएगा, आपको गुणवत्ता पर खड़ा नहीं उतरेगा। इतना मेरा चैलेंज है, नहीं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं अफजल जी। इस पूरे मामले को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा ये पहला कोई पुल नहीं है जो गिरा है, इससे पहले भी कहलगांव में डैम के उद्घाटन से पहले ही वो टूट गया था, तो कोई पहला मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तस्वीर उजागर करता है। अफजल जी बोलेंगे नहीं ना, नहीं बोलेंगे वो भ्रष्टाचार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो ये कहीं ना कहीं कमियां इसमें होगी। इसके कॉजेस क्या है, किस कारणों से पुल ये ध्वस्त हुआ, जांच होनी चाहिए, जो कंक्रीट की क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जांच का विषय है। और इनकी जांच क्या पहले नहीं होनी चाहिए थी, जिस समय ये पुल का निर्माण हो रहा था, किस कंपनी को आपने टेंडर दिया था, ये सारी चीजें उस समय ये जांच का विषय नहीं था अफजल जी? वो भूलतेगा, वो इतिहास देगा, दोबारा बनाएगा जो सरकार का नियम होगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई बड़ी मानवीय घटना हो जाती तो क्या इससे इसी तरह से पल्ला झाड़ दिया जाता है? कौन जिम्मेदार होता अगर किसी भी तरह की कोई मानवीय घटना होती तो? चलिए कि मानवीय घटना का बात है, मानवीय घटना हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये कमी अगर है तो उसको उस कंपनी ब्लैकलिस्टेड होगी और जांच के बाद जो कानूनी दायरे में आता है उसको सजा दिया जाएगा। कंपनी अगर ब्लैकलिस्टेड थी तो उसको टेंडर ही क्यों दिया गया? मैडम इनसे पूछा जा रहा है, जो डैम टूटा था उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया क्या? प्रक्रियाएं होती है वो, उसमें टेक्निकल फीट होता है और क्या क्या फीट होता है, उसमें क्वालिफाई किया होगा तब किया गया होगा। काम करने में क्या लापरवाही हुई, कहां से हुई, सरकार सरकार के जांच बैठेगा उसके बाद चलेगा, यकीनन उसके रब जो उचित कार्रवाई होगी, मैं कह रहा हूँ आपको जी। माननीय मंत्री जो है जल संसाधन विभाग के, उनको संज्ञान लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए इस मुद्दे पे। अफजल जी सुन पा रहे हैं आप? वो चले जाएंगे, वो तो वो भ्रष्टाचार को छुपाने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को छुपाने वाले लोग हैं। माननीय मंत्री जो संजय झा जी हैं अभी, उनको तत्काल रूप से जो घटना हुआ है इसके उस पर उनको आके बयान देना चाहिए और इस्तीफा उनको देनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से लुभी हुई है आपको बिहार सरकार। इसमें ऐसा कोई नहीं कि ये पहला उदाहरण है, इससे सैकड़ों पहले उदाहरण हो चुके हैं, जो पुल टूट गया, पुलिया टूट गई, डैम इनका जो है चूहा खा जाता है। अब बताइए कि अब ये भी कल बोलेंगे कि जांच में बड़े बड़े चूहे थे और वो मिट्टी खा गए, तो ये इनका भ्रष्टाचार को छुपाने का जो है नया नया तरीका है, लेकिन जनता इस बार इनको संजय झा की तरफ है। बिल्कुल माननीय मंत्री है वो, उनको चेक करना चाहिए था कि जो पुल की गुणवत्ता है वो उस पर खड़ा उतर रही है कि नहीं उतर रही है, और वो जो है कि हमारे मानकों को पूर्ण कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी तरीके से बिहार सरकार, पूरी तरीके से अधिकारी मस्त है। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अधिकारी मस्त है और जनता त्रस्त है वहाँ जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिरकार मानकों के स्तर पर क्या क्वालिटी थी इसकी, क्या कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था, जिन चीज़ों की जांच पहले होनी चाहिए थी। अब ये तस्वीरें उजागर होने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जांच का विषय और इस पर जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं तो कार्रवाई कब करेंगे कार्रवाई जी? मान लीजिए अगर कोई मानवीय घटना घट जाती, कोई अगर क्षति होती किसी व्यक्ति की, कोई किसी की जान चली जाती, तो जान तो लौट के नहीं आता। बिल्कुल, जांच का विषय है, जांच कब होगा, जांच तो पहले होना चाहिए ना, बनने से पहले होनी चाहिए जांच, टूटने के बाद जांच का क्या विषय है? इसका मतलब कि उसमें घटिया दर्जे का काम हुआ है तभी तो टूटा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए मयंक जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दो तस्वीरें हम आपको गोपालगंज की दिखा रहे हैं, किस तरह से कुछ दिन पहले ही इस पुल का निर्माण हुआ था, 8 साल में पुल बना, 29 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, और अब तस्वीर यह है कि 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और ये पुल जमींदोज हो गया है, ढह गया है, धराशायी हो गया है। तो इस पूरे मामले पर बिहार सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार
ये जो भ्रष्टाचार की तस्वीर उजागर हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अब हमलावर है बिहार सरकार पर।